हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो गाइस, अभी मेरा बेबी हो चुका है 8 मंथ का। अब 7 तारीख को ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे 8th मंथ, 9th में स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, इस 6, 7, 8 मंथ के अंदर बेबी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ जाता है, तो मैं आप लोगों के साथ में वो वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी। क्योंकि 6 मंथ होते ही हम भूटान से दिल्ली पहुँच चुके थे, तो दिल्ली में पहुँचते हमने खाना वाना खिलाना भी स्टार्ट कर दिया। 6 मंथ कम्प्लीट होने के बाद हमने खिलाया खाना वाना। तो गाइस, आप लोग देख लेना, अभी मैं शेयर करूँगी कैसे कैसे चेंजेस आता। वैसे टाइम इतना जल्दी निकल जाता है, बच्चे के साथ में कुछ पता भी नहीं चलता है। मैं कब से सोच रही थी कि मैं 1 मंथ के वीडियोस आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, बट मेरे से हो नहीं पाया। तो आज मैं 6, 7, 8 इन तीनों मंथ का वीडियोज़ और कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करके आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। और किसी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। पीछे जा रहा है। तो गाइस, इसका 8th मंथ स्टार्ट होते हमने वॉकर लाया इसके लिए। तो ये वॉकर में डाल के थोड़ा चलना सीखेगा सोचा, तो बट ये वॉकर में डाल के भी क्या करना है इसको समझ में नहीं आ रहा, बस इसी बटन को दबा दबा के बैठ रहा है। हेलो गाइस, तो आजकल हम लोग बच्चा भी 8 महीना हो गया कम्प्लीट, तो अभी खुद खुद का खाना खा रहा है हाथ डाल के, गदक तुरंग हंस रहे हैं। जो ग्रीन किया सारा इसने हाथ में ले लिया था मगर मुझे सोनम सिंह अब वक्त तो दम रहे, अब वक्त तो सोनम सिंह अब वक्त तो तक दम रहे, अब वक्त तो बिस्किट
तो ये पार्ले जी बिस्किट बहुत अच्छा से खाता है। पार्ले जी से बहुत खुश है, बहुत खुश है। गुड बाय, गुड बाय, यम 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 यम, हाँ यम यम। यम यम, यम यम रा, हाँ यम यम। हेलो हेलो, तो अभी ये यहाँ से किचन में दौड़ के जाएगा, बस किचन की तरफ ही। इसको बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, पता नहीं। किचन में जाने का बहुत खुश रहता है, बहुत खुशी होता है। थोड़ा सा भी यहाँ से स्पेस मिले तो जल्दी जल्दी भाग के जाएगा। तो गैस ये सारे 6, 7, 8 मंथ तक था, तो अभी इसी 7 तारीख को 9th मंथ हो जाएंगे। और आज ये किसी मेरे बगल वाले में कोई लड़की बैठते हैं तो उनका बर्थडे था, तो वहाँ पे लेकर गया इसको भी केक बर्थडे मनाने के लिए। तो उनके साथ में बर्थडे मना के सारा केक लगा के आ गया। देखो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी गाइस क्या हो गया। बहुत खुश हो गया, ये बहुत खुशी हो चुका है। जीजू, हाँ, कर सी बर्थडे शोम्बी, हाँ, किसका बर्थडे था? साक्षी आंटी का। सलाम चिके पापा 1 2 3 वन चपा 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 सलाम चिके ये चपा या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 शीतास, हाँ या बाबूजी जी। तो गैस अभी मैंने जस्ट इसको क्लीन कर दिया, फेस वगैरह क्लीन करके कपड़ा वगैरह चेंज किया, क्योंकि सारा केक लगा हुआ था, बट क्यूट लग रहा था। तो दिन को भी हम बाहर घूमने गया था, तो इसको आज थकावट हो गया होगा। देखो अभी सोएगा सोएगा जैसा लग रहा है शायद ये, तो थोड़ा बहुत खेलने देंगे, फिर उसके बाद में सुलाएंगे। तो गैस 6, 7 मंथ तक तो बच्चा ठीक है। 7 मंथ कंप्लीट होते, 8 मंथ स्टार्ट होते ही बच्चा ये तो घुटनों में चलने लग गया। तो जब बच्चा घुटनों पे चलने लगता है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए स्पेस भी अच्छा चाहिए होता है, यहाँ वहाँ बकने के लिए ना, तो एक ही जगह में बिल्कुल नहीं बैठता है। तो हमने, हमारा रूम तो बहुत छोटा है, तो हमने एक वैसे डबल बेड डाला हुआ था, तो सिंगल सिंगल 2 बेड था, तो हमने एक बेड बाहर निकल दिया ताकि इसको थोड़ा सा जगह मिले। तो एक बेड रखा के हमने नीचे देन वेन बिछा गया, देखो नीचे कारपेट वगैरह बिछा के रखा है। इसके ऊपर में थोड़ा अच्छा से खेल लेते हैं, देखो सॉक्स भी अलग अलग पहना है इसने, सारा गीला हुआ था। तो आजकल यहाँ पे बारिश भी हो रहा था तो अच्छा से सूखता नहीं है, तो सारा कपड़ा गीला पड़ा था, तो अलग अलग सॉक्स मिल गया। देखो सॉक्स के बिना तो बहुत ठंड है, तो हमने ये वाला पहना दिया। देखो अभी दरवाज़ा भी खोलने को ट्राई करेगा, ये अगर डोर खुला होगा तो वो बाहर निकल के जाता है, तो इसलिए हमने सारा बंद करके यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह डाल के रख दिया। गाइस 6, 7, 8 मंथ का वीडियोस था मेरे बेबी का। तो आप सब लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो आज ये भी बहुत थक गया होगा, जल्दी सो गया बेबी भी, तो आज मस्ती भी बहुत किया है, तो आज जल्दी सो गया, थक गया होगा। तो हम भी सो जाएंगे अभी इसके साथ साथ, नहीं तो सोने नहीं देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।
बाय बाय, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।